आज का जो रीडिंग होने वाला है वो सारे लव बर्ड्स के लिए है जो प्यार करते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि एट प्रेजेंट वो जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ क्या उनका शादी होगा या नहीं, इसके ऊपर आज का रीडिंग होने वाला है। नमस्ते इंडिया, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है तीन पाइल। एक तो ये है टाइगर का पॉ और ये है कैट पॉ और यहाँ पे है हमारे पास लॉयन पॉ और यहाँ पे हमारे पास तीन पायल है। इनमें से कोई भी एक पायल आप चूज कर लीजिए और फिर हम आपका रीडिंग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेटली कहना चाहूँगी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर उसमें से कोई भी पेमेंट लिंक काम नहीं कर रहा है तो लेट मी नो ईमेल के जरिए कि आप कौन सा पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक फ्रेश लिंक भेज दूंगी। एंड हम लोग बहुत सारे लोग जब भी मुझसे रीडिंग लेते हैं वो पूछते हैं रीडिंग होगा कैसे। एक तो ये है आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, इससे मैं आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके फ़ोन कॉल से ही आपका रीडिंग हो सकता है और आप अपना रीडिंग जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर आप मुझे अपने क्वेश्चंस भिजा दीजिए, मैं आपका ऑडियो बना के आपको दे दूंगी, इससे भी आपका रीडिंग आप तक पहुंच जाएगा। और डेफिनेटली मेरे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली फॉलो मी ऑन माय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मैं आपसे मिलती हूँ आगे टाइम स्टैम्प पे जब मैं आपका रीडिंग करूँगी। एक और बात है, लोग बोलते हैं कि टाइम स्टैम्प आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, टाइम स्टैम्प हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा डाल देती हूँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत कम लोग देखते हैं। तो आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एट द सेम टाइम मैं तो अभी कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट करने लग गई हूँ, आप वहाँ पे भी टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए जैसे मैंने आपको कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से भी आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो जिन लोगों ने भी टाइगर पॉ को चूज़ किया है उनके लिए अभी मैं रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना भूलना मत। तो चलो देखते हैं आपके कार्ड्स कहना क्या चाहते हैं। कार्ड्स देखते ही मैं बता सकती हूँ क्या होने वाला है, बट हम रीडिंग करते हैं। हाँ ना मैं जवाब होता तो मैं डेफिनेटली अब तक कह चुकी होती कि हाँ या ना, बट हम पूरा रीडिंग करेंगे ना, जानेंगे एक्चुअली क्या है आपका सोच, उनका सोच, ये और वो, ऑब्वियसली चलो जानते हैं। देखो भाई, एक्चुअली जब आप लोग दोनों मिले, मतलब आपके जब नैन मिले एंड आप ये सोचिए कि वाह क्या चीज़ है, क्या बात है, कितनी खूबसूरत है, कितना हैंडसम है, ये सबसे बातचीत शुरू हुई। बट एट द सेम टाइम आप सोचते थे मुझे इसको देख के अच्छा तो लग रहा है, बट फिर वो बट आ जाता था, BUT वाला। फिर आप इनको देखते थे आपको अच्छा लगता था, फिर बट आ जाता था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे अभी आप एट प्रेजेंट हो, इनको देख के आपको तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आप इनको देखते आप इतने खुश हो जाते हैं, आप इनको देखते ही बोलते हैं वाह क्या बात है। बट एट द सेम टाइम फ्यूचर में ऐसा होगा कि बहुत सारे बातें होंगी एंड डेफिनेटली कार्ड्स देख के बोल सकते हैं आपको ऐसा लगेगा कि फ्यूचर की बात हो रही है, कि मैंने इसके साथ शादी करने का डिसीजन लेके सही किया नहीं किया, और इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में डेफिनेटली आएंगे। तो और इसके बाद में क्या होगा, एंड इतना ही नहीं कि आपको फ्यूचर में ऐसा सोच आएगा, ऐसा नहीं है। राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट भी आप ऐसे सोच सोच रहे हैं,
लेकिन आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, ये सब लोग ये देख के कह रहे हैं कि वाह क्या कपल है, कपल हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. बट आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि ओके मुझे इनसे प्यार हुआ, फिर मैंने ऐसा सोचा, फिर वैसे सोचा, ऑल वो वाले सेंटेंसेस आप अपने दिमाग में सोचेंगे. फिर उसके बाद में सोचेंगे क्या मैं इसके साथ शादी करके खुश रहूंगा नहीं रहूंगा. ऐसा सोच राइट नाउ आपके दिमाग में चल रहा है एट योर करेंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेके. क्या ये लव का जो शुरुआत है, क्या ये लव का जो चीज़ है, क्या मुझे ये नेक्स्ट कदम लेना चाहिए, आप सोच रहे हो. एंड एट द सेम टाइम फिर आप सोच रहे हो सिचुएशन एनालिसिस में, क्या मुझे ये कदम उठाना चाहिए, क्या ये कदम मुझे नहीं उठाना चाहिए. आपके दिमाग में ये सब सोच आ रहा है, बट एट द सेम टाइम कार्ड्स ये कह रहे हैं कि हाँ आप अपने करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ शादी करेंगे. हाँ आप करेंगे आपके करंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ शादी. बट आपके दिमाग में ऑब्वियसली इतने सारे चीज़ें चल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, फिर इसका सोच ऐसा है, फिर ये ऐसे करेगी या वैसे करेगा, ऐसा होने वाला है, क्यों करूं, क्या मैं इससे शादी करूं, शादी करके सही कर, सारे सवाल. ओके वो वाले सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं. बट यू विल मैरी दिस पर्सन टाइम. द फैक्ट इज अभी जो टाइम है आपका, जो भी इनको लेके इतने सारे सवाल आपको आ रहे हैं, अच्छा है आ रहे हैं. अच्छा आप सोचो इन सारे सवालों को, ये किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस सोच को भी आप सोचिए. एंड अगर आप ऐसे सोच नहीं सोचेंगे तो फिर आप देखिए आप सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से, फिर सोल्यूशन भी आपको मिलेगा. जो ये सवाल कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसा ही कार्ड्स कह रहा है. एंड यहाँ पे हमारे पास है ए न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अराउंड. सो ये न्यू चैप्टर जो आपका लाइफ का अराउंड है, नेक्स्ट स्टेप जो आपका लाइफ का है, जो शादी आप करना चाहते हैं आपके करेंट बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, ये जो ये नेक्स्ट चैप्टर है बहुत अच्छा है. कंटिन्यू कंटिन्यू. एंड हियर वी हैव सैडनेस एंड आइसोलेशन. सो ऑब्वियसली आपके पास इतना क्वेश्चंस है, बट जैसे ये कार्ड दिखा रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, देख के भी आप समझ सकते हैं. तो क्या कार्ड डेफिनेटली ये है कि ऑब्वियसली आप बहुत सैड हैं. एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि अभी जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं उसको ले लो, और उसके बाद में बेस्ट इंटरेस्ट, आपका जो बेस्ट इंटरेस्ट है, आप वो चीज़ों को लेते हुए, वो बात को लेते हुए, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप काम कीजिए. अभी जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और बाकी जो भी होगा अच्छे के लिए होगा. चाहे कुछ भी हो, इमोशंस हो, क्वेश्चंस हो, चाहे कुछ भी हो, इट्स फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट. मतलब ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है. तो ये है कार्ड रीडिंग पाइल नंबर वन जो टाइगर चूज किया. आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इंस्टाग्राम में फॉलो करना भूलना मत. सो जिन लोगों ने भी कैट फॉर को चूज किया है उनके लिए अभी मैं रीडिंग शुरू करने वाली हूँ. एंड या तो आप मेरे चैनल को पहली बार देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए. और फिर चलो देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपका प्यार को लेते हुए, कि आप एट प्रेजेंट जिनसे प्यार करते हैं क्या उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं, ये देखते हैं. एंड एक और चीज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो फिर चलो देखते हैं आपका प्यार का रीडिंग. एक और बात, कार्ड्स को देखते ही मैं बता सकती हूँ कि क्या आपका लव मैरिज है या नहीं है. बट एट द सेम टाइम हम ये अभी देखेंगे, अगर हाँ या ना वाला सवाल का जवाब होता तो मैं देखते ही बता देती क्या आपका शादी होगा या नहीं होगा. बट हम ये भी जानेंगे कि आपका प्यार क्या है क्या नहीं है, आपका सोच, उनका सोच, ये सब कुछ भी देखेंगे. और फिर अंततः मैं आपको बताऊंगी कि आप इनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे. हाँ जी, तो फिर कार्ड से कह रहे हैं कि पहले जब आपके इनके साथ नज़रें मिली और फिर आपको डेफिनेटली ये लगा था कि ये थोड़ा भाव खा रहा है या भाव खा रही है, वेदर ये पर्सन मुझसे प्यार करेंगे नहीं करेंगे. बट एट द सेम टाइम
करंट में आप इनके साथ आपका रिलेशनशिप है, पास्ट में ही जैसे रिलेशनशिप शुरू हुआ था आपको डेफिनेटली ये लगा कि एक सेकेंड शायद ये मुझसे जस्टिस नहीं कर रहे हैं, हमारे प्यार के साथ जस्टिस नहीं करेंगे, आपको ये भनक लग गई थी। बट एट प्रेजेंट करंट रिलेशनशिप में भी आप ये नोटिस करेंगे कि वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे नहीं रहे। जब आपको चूज़ करने की बारी होती है आप में या किसी और चीज़ में, वो किसी और को ही चूज़ करते हैं, आपको चूज़ नहीं करते हैं। एंड जैसे जैसे ये सवाल, ये जो छोटे मोटे सवाल हैं आपके पास आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे ये सवाल जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको ये एहसास होगा कि एक सेकेंड, इतने बार आप एक सेकेंड बोलने के बाद आपको ये एहसास होगा कि इस पर्सन ने कभी भी मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, और जब भी प्रायोरिटी की बात आती है ये किसी और चीज़ के तरफ ही देखते हैं, और फिर मेरा क्या, मेरा इमोशन क्या, ये सब कुछ कैसे। आप लॉन्ग टर्म का चीज़ देखते हुए आप ये बात सोचेंगे जी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। बट एट प्रेजेंट आप जिनके आसपास भी है, आसपास के लोग, वो लोग भी डेफिनेटली देख के कह सकते हैं रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ है भाई। एंड लेकिन ये लड़की जो इससे प्यार करती है, इसको ही कुछ नहीं दिखता, और लाइक इसके आंखों में तो प्यार का पर्दा है, इसको तो कुछ दिखाई नहीं देता। एंड लड़का भी है तो इसको कुछ दिखाई नहीं देता, इसके सामने रेड फ्लैग में चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं कि कभी भी ये चीज़ें जो भी करता है या करती है रेड फ्लैग के जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसको नज़र नहीं आता क्योंकि इसके आंखों में प्यार का पर्दा है। आसपास के लोग डेफिनेटली जानते हैं, आपको कहते भी हैं, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं क्योंकि आप बहुत प्यार में हैं। लेकिन आप इन बातों को नोटिस करेंगे कि वेट ए मिनट, जब भी प्रायोरिटी की बात आती है मैं कभी प्रायोरिटी नहीं रहता या नहीं रहती, ये बात आप नोटिस करेंगे। आप अपने अपने लिए, अपने इम्पोर्टेंस के लिए, अपने चीज़ों के लिए आप ये बात नोटिस करेंगे कि जब भी प्यार होता है हमारे दिल में खुशियां तो होती ही है, लेकिन हमको फिजिकल लाइफ में ये 3D वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, 2D वर्ल्ड यानी कि टीवी के अंदर जो भी हो रहा है 2D में नहीं रह रहे, हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं जो आप और हम यहाँ रह रहे हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ बातें होती हैं, अनटिल एंड अनलेस ये पूरा फुलफिल नहीं होता, मतलब इंसान को खुशी नहीं होती, और इंसान सिर्फ एक ही चीज़ से खुश नहीं रह सकता। ये बातें डेफिनेटली अपने आप से कहते हुए डिसीजन लेंगे कि ये प्यार प्यार नहीं है, मुझे सच में प्यार की खोज में जाना होगा। एंड राइट नाउ आप इनके साथ जो भी टाइम स्पेंड करें, ये बात को सोचते हुए कि मैंने अपना वक्त खराब किया है, ये ऐसे आपको लगेगा। आपको आपके करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ शादी नहीं होगी। एंड स्टार द कार्ड ये भी दर्शा रहे हैं, ये कार्ड आता है ये दर्शा रहा है कि आपके पास पोटेंशियल है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे आए, खुशियाँ आए, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। एंड एट द सेम टाइम कार्ड जैसे ये कह रहा है कि शुरुआत शायद कहीं पैसे से हुई थी और अंततः आपके लाइफ में पैसे आएंगे, लेकिन शायद अभी आपके लाइफ में पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो ये पर्सन को अपने लव करके जो अपने लाइफ में लेके आया, ये खुद पॉजिटिव स्टार नहीं है आपके लिए कि आपके लाइफ में पैसे आए। ही इज़ अ नेगेटिव पर्सन और शी इज़ अ नेगेटिव पर्सन। और यहाँ पे हमारे पास है लीव रूम फॉर द प्लान इन द क्रिएटिव डिटोर एंड इन द नोट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो कार्ड ये कहता है कि चीज़ें हुई हैं, बातें हुई हैं, एंड लेकिन जैसे आपका सोच है इससे आप आगे बढ़ते हो, चीज़ों को मॉडिफाई करते हुए आप अपना लाइफ को बदल सकती हैं, ये कार्ड बता रहा है। एंड यहाँ पे हमारे पास है विन और लूज। द कार्ड इज ऑल्सो इज लाइक ये कह रहा है कि चीज़ें हुई है भाई, चलो मान लिया हो गई है चीज़ें। एंड कार्ड ये भी बता रहा है कि हमको मिडिल ग्राउंड लेना होगा चीज़ों को निकालने के लिए, और जब आप इनसे गुड बाय कहें, एक नोट पे आके गुड बाय कहें, फिर इनकी वापस मुड़ के मत देखना, क्योंकि दिस पर्सन अभी राइट नाउ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं। जब चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी आपको उनका सही रूप नज़र आएगा, और फिर आपको लगेगा चलो वापस हम हमारे पैर के पास जाएंगे, ये करना मत, क्योंकि ये पर्सन बहुत नेगेटिव होने वाला है उसके बाद में। तो अपने आपको पॉजिटिव में रखते हुए, अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हुए, लुक फॉर ए न्यू लव,
डेफिनेटली लुक फॉर न्यू लव, क्योंकि ये इनके साथ आपकी शादी नहीं होने वाली। तो ये था रीडिंग का पाइल नंबर टू, जिन्होंने कैट पॉ को चूज़ किया उनके लिए था ये रीडिंग। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने भी लॉयन पॉ को चूज़ किया है उनके लिए अभी मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। एंड चलो देखते हैं कि आपको जिनके साथ प्यार है उनके साथ आपका शादी होगा या नहीं होगा, इसको हम देख लेते हैं। सो कार्ड्स देख के मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि क्या आपकी शादी इनके साथ होगी या नहीं होगी, आपके करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ। अगर आप मुझसे पूछते कि आपको करंट बॉयफ्रेंड के साथ शादी होगी नहीं होगी, मैं ऐसे कार्ड्स देख के यस और नो में जवाब दे सकती थी कि आपको इनके साथ शादी होगी या नहीं होगी। बट राइट नाउ अभी हम ये देख लेते हैं आपके सोच, उनका सोच, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर आप क्या सोचने लगे, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, ये सब जानते हुए फिर मैं आपको बताऊंगी क्या इनके साथ आपका शादी होगा या नहीं होगा। पहली बात, जब आप इनसे मिले, आप जब इनके नज़रों में देखे, द फैक्ट इज़ आपको ये लगा कि ना, आपको ऐसे लगा मेरा पहले भी रिलेशनशिप था, बहुत कुछ हुआ, अभी मैं इनके साथ रहूँगी, एंड वो सारे थॉट्स आपके दिमाग में आए, फिर आप ना इनके साथ लाइक रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी। बट जैसे ही आगे बढ़े आप ये देखे कि ओ वेट ए मिनट, हर कोई ऐसा नहीं होता, एंड जो करेंटली जिनके साथ आप हैं, जो आपके करंट बॉयफ्रेंड है, फिर आप जो पहले आप डाउट करी अभी उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, एंड आपको इनके साथ रिलेशनशिप में रह के बहुत अच्छा लग रहा है, इनके साथ रहना आपको अच्छा लग रहा है, इनके साथ बातचीत करना आपको अच्छा लग रहा है, इनके आसपास के दोस्त आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब इन सब कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जैसे जैसे फ्यूचर में जाने वाले हैं ये भी आप देखेंगे कि चीज़ें हमेशा बंद नहीं है, आप इनके साथ बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, इनके साथ आप खुल के बातचीत कर सकते हैं, इनके साथ आप खुल के अपने विचार रख सकते हैं, ये भी आप खुल के आपके साथ विचार रख सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलरली सीरियस टॉपिक को आप सीरियस नहीं करते और उतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी आपका इनके साथ होता नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू दूसरे लोग देख के ये डेफिनेटली कह सकते हैं हाँ यार उतार चढ़ाव, आसपास के लोग जो भी हैं वो लोग देख के ये कह सकते हैं हाँ यार इनके बीच में छोटा मोटा लड़ाई होता रहता है, उतार चढ़ाव चलता है, बट इन दी एंड देख के लगता है ये लोग शादी कर लेंगे, वो लोग ये कहते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं यार, फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, फिर उसकी सोच इसकी सोच, आप थोड़ा सीरियस हैं बात को लेके, बट दूसरे लोग देख के लाइक यार हमें पता है ये लोग शादी करेंगे, देन या फिर अभी ऐसा है कि वो जो भी हैं आपको कुछ चीज़ें करने को बोलते हैं लेकिन आप मना करते हैं, फिर वो आपको कुछ चीज़ें बोलने को करते हैं, जस्ट आपके सोच के बीच में थोड़ा बहुत अनबन है। बट इन दी एंड द कार्ड्स देख के डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलने वाला है, चल सकता है, एट प्रेजेंट भी जो भी बातचीत हो रही है इन शॉर्ट ठीक ठाक है। तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हाँ आपकी शादी उन्हीं के साथ होगी जिनके साथ आपका करेंट रिलेशनशिप है। और यहाँ पे सो सॉरी, सो यहाँ पे कार्ड क्या कहता है, वाओ ये कार्ड सच में बहुत अच्छा है, ये कह रहा है कि आपके लाइफ में एक पर्टिकुलर जो भी पर्सन है, ये जो भी है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छे हैं, इनके साथ जो कुछ भी आई कैन से दैट नाउ, बट चलो बता देती हूँ आपको, आपके रीयूनियन से जो भी बच्चा फ्यूचर में पैदा होगा वो बहुत स्पेशल चाइल्ड होगा और उनके पास बहुत अच्छे टैलेंट होंगे, एंड इन द एंड सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। ओके एनीवेज, एक्चुअली रीडिंग उसका नहीं था कि आपके फ्यूचर में बच्चे कैसे होंगे, बट कार्ड इज लाइक या अच्छा होने वाला है। एनीवे वी हैव हियर डोंट लेट अदर स्टील योर थंडर। ओके पूरे रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई और भी है कि अभी मैं ये बातों का फ़ायदा उठा लूँ जो कुछ भी ये क्वेश्चन कर रही है या कर रहा है, और फिर मैं इन दोनों के बीच में आके इस लड़के या लड़की से शादी कर लूँ, दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। बट कार्ड्स देख के डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप दोनों समहाउ मैनेज करके कर ही लेंगे कुछ ना कुछ, एंड मूविंग ऑन। जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आप उसको तो मूव ऑन करेंगे ही।
लेकिन जब ये कार्ड आता है इसका मतलब ये भी होता है कि शायद आप लोगों के बीच में जो भी ये क्वेश्चंस है और ये लेते हुए भी शायद आपका ब्रेकअप हो जाए, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है ये भी और ये वाला कार्ड, ये दोनों डेफिनेटली दर्शाता है शायद आपका ब्रेकअप हो सके या फिर शादी के बाद डिवोर्स भी हो सके। सो अराउंड द वे सिचुएशन है, शादी होगी और फिर बाद में इट जस्ट डोंट लुक लाइक कि डिवोर्स तक बात जाने वाला होगा आपका, बट करंटली देखा जाए तो इनके साथ आपकी शादी हो सकती है, बट फ्यूचर में जाने के बाद में एक पॉइंट हर्डल आ सकता है, ये दो कार्ड्स बता रहे हैं। बट जो कुछ भी है आपका एक बच्चा भी होगा, इसलिए कार्ड आया क्योंकि ये दो कार्ड्स आ रहे हैं एनीवे आपको बताने के लिए। एनीवेज एक बार सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा। ओके एंड कार्ड्स और भी बहुत कुछ बता रहे हैं, बट डेफिनेटली टू चेक आउट हिज थॉट प्रोसेस, हिज और हर थॉट प्रोसेस एंड आपका जो वैल्यूज है, ये दो देखने के बाद ही डिसीजन लेना। ओके ये डेफिनेटली एडवाइस मैं आपका कर सकती हूँ क्योंकि ये कार्ड जैसे जा रहे हैं आपका वैल्यू और उनका थॉट प्रोसेस मैच होता है तो कर लो, वरना मत करो क्योंकि डिवोर्स भी हो सकता है फ्यूचर में। एनीवेज ये था आप रीडिंग जो लॉयन लॉयन पॉ के साथ है। एंड एट द सेम टाइम ये भी कहना चाहूंगी कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, एकदम पर्सनल डिसीजन मत ले लेना, ये जनरल रीडिंग है, एक बार सोच समझ लेना जरूर। एनीवेज सो आपके साथ ये रीडिंग रेजिनेट हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए लेटेस्ट जानकारी के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। नमस्ते इंडिया, सो टुडे वी गोन डू ए टैरो रीडिंग फॉर द लव बर्ड्स हु आर इन लव एंड दे वॉन्ट टू नो वेदर दे गोन मैरी देर करंट partner, boyfriend or girlfriend. We're going to look at this question whether they're going to marry their current boyfriend or girlfriend. Here we have three piles. Pile number one, we have tiger paw, and pile number two, we have cat paw, and pile number three, we have lion paw. And choose any of these piles, then we're going to do your tarot reading. And one more thing I definitely wanted to say, if you really wanted a personal reading with me, link is in the description box below. If any of the link is not working while doing the payment, let me know through email that what kind of payment you want to do. I'm going to send you a fresh link for that. And how are we going to do this tarot reading? I have a lot of my tarot customers ask me how, my clients ask me how this tarot reading goes. The fact is, when you give me your phone number, we can do the tarot reading via phone call. You can record whole conversation, what we are talking. Other than that, you can give me the questions so that I can send you an audio link, so that you will get the audio information that how, what is the answers that tarot is telling you. We can do that, we can do phone call, or I can give you audio link of your reading. So this is the way things goes. And one more thing, the timestamp of this reading will be in the description box or comment section below. Definitely do check out there and like, comment, share and subscribe. Please do subscribe to my channel and follow me on my Instagram. Let's get started with the reading. So whoever have chosen the pile tiger paw, we're gonna start a tarot reading for you and let's see what cards really have to say for you. And if you're watching my channel for the first time, please subscribe to my channel and hit the bell notification for latest information. If you want a personal reading, links are always in the description box below. And let's see what your cards really have to say. Just looking at the piles, I can really say whether you're going to marry this person or not. But let's check out what the cards really want to say, what you're thinking and what you're not thinking, and what all the thoughts and process your brain is really going through when you wanted to say yes to this person, whether you're going to marry or not. Let's see. So cards are saying that, oh,
When you met this person, you look at their eyes and their eyes sparkle and you were like, wow, gorgeous and handsome man. Then you were like, okay, wait a minute. But they have this kind of things and then they do that. Wait a minute, I think they have that flaw. Those kind of thoughts cross your mind. Then you were thinking whether I should continue this relationship with this person or not. But what do you know, you really did continue your relationship with this person. And right now at currently you guys are in a relationship. Congratulations for that, that's for sure. But in the future, just not in the future, but right now also, you're thinking whether you should marry this person or not. You have a lot of questions in your brain, whether if he leave me in the night, like, will he come back to me? Or like, if I'm walking something here, will he come back to me? All those kind of things. Oh, if I am in a situation, this bad situation, will he or will she? All those kind of thoughts are going through your brain. Will she or will not or will he, all those kind of things. But in the future also you may think all these kind of things. But when you know what you know, after a time you're really judging him or her a lot, but after a time you'll realize those were just your insecure thoughts. Other than that, it was nothing. But people around you are like, oh, what a beautiful couple you guys are. You are in love. And they are saying a lot of that beautiful sentences to you guys. Like, wow, what an amazing couple you are. You're a good couple. You guys are in love and these kind of things. But at the same time, the way the cards goes, do you really will take a next step with this person, whether you're going to marry him or not? The question is, now is the time to tell you whether you're going to marry this person or not. The answer is yes. You're going to marry your current boyfriend or girlfriend. You're going to take that step and you're going to marry this person after going through all those kind of things. If this happens, if that happens, or this, that, all those kind of things, yeah, you're going to marry this person. And in the end, the whole scenario, whole thing really goes out to you guys are good match for each other. If one person has a flaw, other person has that advantage of making things work out. And if that person, your opposite partner, love interest, has another flaw, you can make up for it. The relationship's not bad. It's quite good. What we have here, we have a time. We have time here, and the time really says, see, the whole life is not beautiful things all the time. There are some flaws, there are some things, but the time card itself means that no matter how bad the situation is, no matter how the thing goes, you guys going to stick together for a long time, whether it's a high end or low end of the life. You guys going to stick together, you're going to face together, you're going to show the world, this is love, this is like, we can take anything on. You mean that, like, we have here a new chapter of your life is around. Yes, a new chapter of your life is around. That's love, that's you're going to marry, then you're going to have kids and all those kind of things. A new chapter is around and you're going to do it pretty well there. And we have sadness and isolation. So this card says that, this one says that it's okay there are a lot of things going around in your life. It's okay you have a lot of questions before getting married to this person, but things happen for a reason. But the cards also says, whatever lessons right now life is teaching you with this question, then you understand something. With all those kind of understanding, you will understand that, oh, things happen like that, oh, some people are like this, oh, those people are around when they said that, but between the lines the things mean this. You're going to understand a lot of things and accept it. When the life is giving you lessons and things happen, it happens for your highest good. You accept that, and then you will take a decision.
of getting married to this person and understanding how the world goes around, and then what goes around will come around, all those kind of things you will understand, and in the end you will say, I'm happy. That's what you're going to say. And yeah, you're going to marry to your current partner. This was the reading for the people who chose Tiger Paw. And if you're watching my videos for the first time, do subscribe to my channel and like my videos and hit the bell notification for latest information and follow me on my Instagram. So now I'm going to do a tarot reading for the people who have chosen the Cat Paw. I'm going to do a tarot reading for you. And if you're watching my video for the first time, do subscribe to my channel and hit the bell notification for latest information. Please like my videos. And if you want personal reading, links are always in the description box below. So cards are definitely have spoken. And just by looking at the cards, I can say whether you're going to marry this person or not. But right now, let's check out what are you thinking, what will happen, what not. And the thought process after that, I'm going to tell you whether you're going to marry this person or not. The question was, what we are looking today is whether you're going to marry your current boyfriend or girlfriend. So let's check out whether you're going to marry or not. The card says, when the first time you met this person, your current interest, you were like, okay, I think I'm interested in this person. Maybe I'm not interested in this person. Wait a minute, this person is really not fair with certain something, and then something really did happen. You were really thinking all that kind of things, and you have noticed all those kind of things, but still you continue, you just agreed to be in relationship with this person, and later, right now, current relationship, wherever you are, you can really see that this person is not giving you the priority. And when it comes to choosing between you and something else, he's choosing something else or she's choosing something else, but not you. And current love life is not priority. That is what you are feeling, and you understand. But they at the same time, if you are not till now, if you have not reached the point where you are feeling, wait a minute, he's or she is not giving me the priority, if you are really not thinking like that, you will notice. If you have not noticed, just check out the patterns, what things are happening. The thing is, like, he or she is not giving you the priority, and later when the relationship grows in the future, you're gonna feel like, this person never gave me priority, and you're going to be very, very angry, because the fact is, a lot of things really didn't happen, and there were a lot of red flags, and you did not see those red flags, and now you're very angry that after so many months or year, you are noticing that this person never gave you the priority, but priority was something else, but not the love interest. And then everybody around you do understand, wait a minute, there is a problem, or your friends, family might have told you, there is a problem. There is a problem in this relationship, but you are in love and you don't see the fact what other people are seeing. You're in so much in love that you are not even seeing there is fault in this person. You are so much in love with this person, but you are not seeing the fault. But everybody around you can see there is a problem, and this person is totally misusing you, or like in those kind of sentences, and misusing is not the right way to put it, but this person is not paying much attention. But later you will understand, when seeing other people and situation and love, you will understand there are a lot of things to be happy, just not love, just not my love, that there should be love from other person, there should be a lot of other things. When you see that other things are given priority than you, those things, and you will question a lot of things, and then you will understand a lot of things, and with that you will understand this person is not right for you, and you're going to look for love somewhere else, but not in this person. So you're going to find love in someone else, but not the current person that you are with. So you're going to think, and in the end you will also be very angry that because of this person I have wasted so many months and years, this person was not a right choice for you. You would understand that. And again, we have here Star. The card is also mean that when the relationship really started, you had money, but in the end, like the way the relationship moved, you got to understand that some people have some kind of energies when they come into your life, good and bad.
So now you don't have money because of this person has a bad stars and you don't see that this person is right for you. When it comes to love, relationship, money or happiness, he's not right. He or she is not right. But you have abundance coming into your life and this current person is like stopping this much of abundance coming into your life. You will also understand, just see the pattern that you had money back then, but not now. Once this person leave your life, you will come. You will see that money is coming in your life, abundance is coming in your life, love is coming in your life. There will be a lot of things. This person is definitely not right for you. Here we have card and this says like, leave room for the plan in the creative detour and in the note of modification. So cards really mean that. So there a lot of things really did happen and the card is also mean that okay, things happened, okay, fine, things happened, but now time to improve yourself, time to think more, time to realize more, time to take a new path, time to do all those kind of things. And we have win or lose. The card really means that when you're going to say goodbye to this person, say it in a way and just bow, just go away, never come back. Because right now when he is in relationship with you, he's acting in a certain way. When the relationship ends and when you're going to feel like, oh, my love is not there, let me go back to the person that I was in love, don't do that. Because this person will going to go, will going to show you a different phase of personality to you, and right now he's not, he or she is not showing you. So just for you good, when you end this relationship, when you decide to end this relationship, never come back to this person ever again. And the card is also saying there are a lot of things, there are a lot of information, there are a lot of things around you, just notice and do you get something good out of that. So in the end, the answer to the question is whether you're going to marry to your current boyfriend and girlfriend. The answer is no, you're not going to marry. If you are watching my videos for the first time, do subscribe to my channel, like my videos and hit the bell notification for latest information. Want any personal reading? Links are always in the description box below. So right now we're going to do a tarot reading for the people who have chosen the lion paw. So we're going to do a tarot reading for you guys. And if you're watching my video for the first time, do subscribe to my channel and hit the like button and hit the bell notification for latest information. So let's see what cards really have to say. That will you want to marry your current boyfriend or girlfriend that you are in relationship with? Just looking at the cards, I can just say whether you're going to marry this person or not. But let's check out what is your thoughts, what happened, what not happened, and things and situation, what will really do happen, everything, and then whether you're going to marry this person or not. When you really met this person, your thoughts were like, wait a minute, till now I was in relationship with someone and now I'm meeting this certain person. Will this person will turn out to be the way it was or not? You are really thinking all those kind of things. But in the end, you just fell in love with this person. And right now, in current love situation, you are with this person. And then in the future, there will be some thoughts and process will go through and you're going to think a lot of things about this person. Anyways, then people around you are like, oh, I can see there are a lot of things happening in their relationship, this happening and that happening. Anyway, they're going to get married. Anyways, that's what they are thinking. But you are like, oh no, I know I'm with this person, whether I should marry or not. And you have a lot of questions in your head and you're thinking and judging this person is like this, then this person do that and this and that, all those kind of things. You are really thinking all those kind of things, whether you're going to marry him or not. Then what happened is you are coming to a point, an obstacle and illusion and thoughts you are thinking, and you're just figuring out, I don't think so, being with this person is the right thing or not. You're thinking all those kind of things, but in the end, well, you know, you're going to get married to this person. You are going to marry the current boyfriend and girlfriend. And here we have century. This card is also says that they're going with your reunion, they're going to be a child born to you guys, and that child is really special. That kid is special.
But this card we have here, and again we have this card here, moving on, this one and this one. These two cards means something. I can say that because before this I did a reading in Hindi, and so in that I said all those kind of things, but I can really say these two cards means something, this one and this one. And with you guys reunion, they're going to be a child born. And here we have another card that says, don't let other steal your thunder. So it also means that whatever you do, in whatever situation you do, you're doing good. Don't judge yourself. But in the end, when it comes to marriage, this card and this card is also says that this card really means that there are little obstacles, thoughts and process when it comes to you and him. You're thinking about him, his behavior, what he's really doing, what's not doing. And here we have this card. It also means that this combination and other thing combination also mean that you're going to get married, you're going to have a child, then you may guys get divorced. And it may not be divorced, but you guys can live separately. Little complications here I can really see, but say yes to this marriage only if your values and his thoughts or her thoughts are matching. If your values are not matching with this person, don't get married, because they're going to be something, a lot of things going to go wrong, and in the end you may get decided to have a divorce, or you may guys may not live together but live separately. If you are already married and you're watching this video for the fun, let me know in the comment section below, are you in this situation, or though you are in a current relationship with this person, whether you're going to marry or not, the all other things are matching or not, just let me know in the comment section below. And at the same time, this is a general reading. Every video on the YouTube is a general reading, not personal reading, so don't take it personally. Take it what is like resonated with you, and rest of the things you can just let it go. If you want a personal reading, link are always in the description box below. And if you're watching my video for the first time, do subscribe to my channel, like my video and hit the bell notification for latest information. I'm going to meet you in the next video. Till then, please be happy, take wise decision, stay blessed, be happy, and God always loves you. Remember that, and keep smiling, because smile is a lovely accessory to carry.